हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चपली कबाब की रेसिपी बहुत अच्छी सी रेसिपी है और मैं यहाँ बहुत इजी तरीके से बनाना बताई हूँ। खाने में बहुत यम्मी टेस्टी होती है और बहुत इजी तरीके से मैं बनाना बताई हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। चलिए देख लेते हैं किस तरह से मैं बनाई, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स लगी है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और मैं ज़रूर कमेंट करें। यहाँ मैं 200 ग्राम मटन ली हूँ और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए क्योंकि इसे पीसना है। और एक प्याज कट करके रखी हूँ, पीसूंगी इसके साथ ही मैं। और हरी मिर्च, यहाँ 12 से 13 हरी मिर्च ली हूँ, बहुत तीखी नहीं है, तीखा अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। हाफ छोटी चम्मच गर्म मसाला, यहाँ एक पिंच मैं अजवाइन ली हूँ और एक पिंच अनारदाना पाउडर ली हूँ। आप गोटा अनारदाना भी डाल सकते हैं लेकिन मैं पाउडर डाल रही हूँ। और यहाँ हाफ चम्मच में नमक ली हूँ, नमक आप टेस्ट कर ले, मैं नमक कम यूज़ करती हूँ खाने में तो इसलिए मैं हाफ चम्मच ले रही हूँ। और यहाँ 2 बड़ी चम्मच मैदा ले रही हूँ और 1 बड़ी चम्मच बेसन ले रही हूँ। हाफ छोटी चम्मच धनिया पाउडर है, हाफ छोटी चम्मच चिकन पाउडर है और हाफ छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर है। सबसे पहले यहाँ मटन इन सारे मिर्च प्याज को मिलाकर पेस्ट बना लेना है, तो मैं पेस्ट बना लेती हूँ मिक्सर जार में डालकर। यहाँ मैं देखिए बहुत बारीक पीस ली हूँ और पीसने के बाद इसे मिक्स कर दूंगी। सारे पाउडर मसाले को मैं डाल दूंगी, बेसन मैदा सबको डाल दूंगी, चिकन पाउडर नमक सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं यहाँ पे डाल दी हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है और उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक सारे पाउडर मसाले अच्छे से मिल ना जाएं मटन के अंदर, बारीक कीमे के अंदर। इसे मैं 5 से 7 मिनट अच्छे से मसल कर मिक्स करूंगी। तो चलिए मैं मिक्स कर लेती हूँ। मैं यहाँ बारीक कुछ भी कट करके नहीं डाली हूँ, बहुत इजी तरीके से बनाना बता रही हूँ, बहुत सिंपल अंदाज से बता रही हूँ, टेस्ट में कोई कमी नहीं है। तो आप ज़रूर बनाएं और फिर मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। 3 मिनट हो गया है इसे मसलते हुए, इसे और मसलूंगी मैं ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। यहाँ मैं काफ़ी अच्छे से मिला दी हूँ। मिलाने के बाद इसे ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी, इसके बाद बनाना शुरू करूँगी। अगर आपको जल्दी है तो आप अभी बना सकते हैं लेकिन मैं इसे रेस्ट के लिए रखूँगी, इसके बाद बनाना शुरू करूँगी। यहाँ मैं कबाब बनाना शुरू करूँगी। हाथों में पानी लगाना है और लगाने के बाद जितनी बड़ी आपको कबाब बनानी हो उतनी बड़ी सी मिट के पेस्ट को लेंगे और हाथों में इस तरीके से पानी लगा के इसे थपथपा लेंगे। आप किसी बर्तन पे भी रख के लगा सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा इजी है, डालने में आराम होगा। ऑयल में बड़ा सा बनाना है, बहुत इजी तरीके से मैं बनाना बता रही हूँ आपको। तैयार है अब यहाँ पर ये, इसे अच्छे से राउंड कर लेंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे। अच्छे से बराबर कर लेना है तो मैं इसे बराबर कर लूँगी। तैयार है यहाँ पर ये। इसे यहाँ मैं देखिए चपली कबाब बना कर रेडी रखी हूँ, एक मैं आपको दिखला दे रही हूँ किस तरह से मैं बनाई हूँ। तो मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। यहाँ मैं बारीक पिसे हुए कीमा को लूँगी जो मैं कबाब के लिए तैयार करके रखी हूँ, और हाथों में पानी लगाना है, पानी लगाकर ही बनाया जाता है इसे। इस तरीके से थपथपा लेना है हाथों पे रख के बिस्तरी के बीच में, जितना बड़ा बनाना हो उतना बड़ा आप बना लें। बहुत इजी तरीके से मैं आपको यहाँ बनाना बता रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है फ्राई होने के बाद और इसे मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ बनकर ये तैयार है, इसे एक अच्छा सा शेप दे लूँगी मैं। जितना बड़ा बनाना हो आप उतनी बड़ी बना लें। तो यहाँ तैयार है देखिए ये, यहाँ मैं बनाकर रेडी रख ली। जो भी बचा है उसे भी इसी तरीके से बना लूंगी, आप चाहें तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत इसी तरीके से मैं आपको बनाना बताई हूँ। यहाँ मैं फ्राई करने के लिए 1/2 कप रिफाइंड ऑयल डाली हूँ, आप तवे पर भी इसे फ्राई कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पैन में फ्राई करूंगी। यहाँ तेल काफी अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर कबाब को डाल दूंगी। फ्लेम को यहाँ मैं स्लो रखी हूँ, स्लो फ्लेम पर डालूंगी, अभी इसे नहीं पलटूंगी। यहाँ 1 मिनट हो गया है, एक तरफ से काफ़ी अच्छे से कबाब फ्राई हो चुकी है, अब मैं यहाँ इसे पलट दूंगी।
ध्यान से पलटना है, छीटे ना पड़े, जले ना। काफ़ी अच्छे तरीके से एक तरफ से देखिए कलछी फ्राई हो चुकी है। इसी तरीके से जो भी बचा है उसे मैं फ्राई करूँगी, तो इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। फ्लेम को यहाँ मैं स्लो ही रखी हूँ, एक मिनट के बाद फिर पलटूंगी। एक मिनट हो गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से एक तरफ से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे यहाँ पलट दूंगी और पलट के मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करूंगी। यहाँ मैं फ्लेम को मीडियम कर दी हूँ। अब ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसे मैं तेल से छान कर निकाल लूँगी और दूसरे पीस को मैं डाल दूँगी। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी से फ्राई की हूँ। यहाँ मैं आपको निकाल कर दिखला रही हूँ, कहीं से ये कच्चा नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हुई है। यहाँ मैं दूसरे पीस को डाल दी हूँ और इसे भी इसके ऊपर तरीके से तेल घुमा घुमा कर डालूंगी और इसे भी उसी तरीके से फ्राई करके निकाल लूंगी। जो भी बचा हुआ उसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ मेरा चपली कबाब बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप रायते, सैलेड, चटनी किसी के साथ सर्व कर बहुत यमी, बहुत ज़बरदस्त लगती है। और मैं बहुत इस तरीके से बनाना बताई हूँ आपको, पास से ले चल कर दिखला रही हूँ। काफ़ी टेस्टी फ्राई हुई है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट करें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।